कहना है कि वो दर्द बन के मेरे खून में मचलता है, करूं जो आह तो लब से धुआं निकलता है। और मोहब्बतों के रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं यारों, क्योंकि एक ऐसा घर है जो बरसात में भी जलता है, बरसात में भी। मेरी मंजिल है कहां, मेरा ठिकाना है कहां। बोलिए जी। के हम अपने मकान में ताला लगाने वाले हैं, पता चला है कि मेहमान जाने वाले हैं। इश्क में लुट गया वो खजाना हूँ, मैं एक बीता हुआ एक ज़माना हूँ। मेरे दर्द पे रोए खुशियाँ, मेरे दर्द पे रोए खुशियाँ, मैं गुमनाम एक फसाना हूँ, एक फसाना हूँ। आएंगे कहना कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, और जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। कहना है कि तलवार के मियान को कभी यूं न फेंकना, क्योंकि शायद दुश्मनों को डराने के काम है। लेकिन कहना गुलशन भाई की आंधियां, क्या बात, आंधियां गम की चलेंगी तो संवर जाऊंगा, आंधियां गम की चलेंगी तो संवर जाऊंगा, और मैं तेरी जुल्फ नहीं हूं कि बिखर जाऊंगा, और तुझसे पिछड़कर मत पूछ मैं कहां जाऊंगा, अरे मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा, और तू तरस जाएगी मेरे दो भूत के लिए, मैं तो बादल हूं गुलरिया में जाके बरस जाऊंगा। क्या बात है, जोरदार तालियां। मगर रशीद भाई कहना है कि जुदाई का कोई एहसास सब जिंदा नहीं लगता, जुदाई का कोई एहसास सब जिंदा नहीं लगता, फिर भी मैं भूल जाऊंगा उसे ऐसा नहीं लगता, और मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं है, फिर भी न जाने क्यों उसे देखूं किसी और के साथ तो अच्छा नहीं लगता। कहना कि दिलों दिलों नजर पर तेरे प्यार किसका है, और जो तेरे दिल में है वो पोशीदा प्यार किसका है, और ये तेरी झुकी झुकी पलकें और ये बिखरी बिखरी जुल्फें, भला तुम ही बताओ कि इंतजार किसका है। क्या बात है। एक शायरी और कहना है कि चमन से कौन चला है खामोशियां लेकर, भाई ध्यान दीजिएगा, कहना है कि चमन से कौन चला है खामोशियां लेकर, कली कली तड़प उठी है सिसकियां लेकर, और जो दिन रात मेरे मरने की दुआ मांगते रहे आज वही रो रहे मेरे जनाजे के पास हिचकियां लेकर। आएंगे बहुत काफी देर हो जाए। मेरी मंजिल है कहां, मेरा ठिकाना है कहां, सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहां। दिनता तक दिनता तुझसे तुझ
कर मुझे जाना है कहाँ बिछड़ना नसीब था वो इतनी दूर हो गया वो इतनी दूर हो गया जितना करीब था और दफना दिया गया मुझे चांदी के कब्र में मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था। लेकिन कह रहा ब्रजेश भैया की अंधेरे कमरे में एक आफ्ताब जैसी है उसे मत छूना वो लड़की गुलाब जैसी है और मैं बिन पिए गुजरू तो नशा हो जाए क्योंकि उसकी गली का हवा भी शराब जैसी है। कहना कि कहाँ पे अजाब कहाँ पे अजाब कहाँ पे हिजाब होता है और मोहब्बतों में कहाँ ये हिसाब होता है। कहना है मेरा कि पिछड़ कर मुझसे तुम अपनी कशिश मत खो देना क्योंकि उदास रहने से चेहरा खराब होता है। आज की रात मोहब्बत सुन ले हुए हो शिकायत सुन ले आज इजहार ख्यालात तमाम कर दे हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। और समय बहुत कम है बार बार इशारा मैं समझ सकता हूँ। आखिरी आखिरी अंतर भूलना था तो एक राज किया ही तू था भूलना था तो एक बेवफा तूने मुझे प्यार किया तू था बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही तू था।
शहर में आए मुसाफिर शहर में आए मुसाफिर की तरह तुम मेरे पास हो राजन राजी की तरफ से बहुत ऐसा आशीर्वाद मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ और कहना क्या है तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा यार से मिलने बहाने आ जा यार से मिलने के बहाने आ जा हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह मुसाफिर की तरह मुसाफिर की तरह हेलो इसका भी थोड़ा आवाज बढ़ा दो एकदम धीरा सुनाई दे रहा है आइए जैसा कि आदेश हुआ हेलो हेलो लगाइए कॉटिंग में ब्रजेश भैया का फरमाइश था हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह मगर उसके पहले भी एक फरमाइश है अभी वो सलोनी जी गा लेंगी तो उसके बाद मैं गाऊंगा हाँ हाँ सिचुएशन के हिसाब से सोच रहे हैं वही गाए हम तेरे शहर में बिल्कुल आइए भैया आइए भैया की फरमाइश है उजाला एंटरटेनमेंट सागर फिल्म्स अरशद भाई थोड़ा सा सिरो सारी कर वो दर्द बन के मेरे खून में मचलता है सलोनी पांडे जी बहुत ही अच्छा गा रही थी आप आपको बहुत दिल से धन्यवाद अभी एक और गायिका है सलोनी विश्वकर्मा जी वो भी अच्छा गाती हैं आएंगे वो दर्द बन के मेरे खून में मचलता है करूं जो आह तो लब से धुआं निकलता है